नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आंखों में टैटू, मेटल के दांत, जीभ की भी सर्जरी, मॉडिफाइड ये है बॉडी बिल्डर। अविश्वसनीय और कल्पना से परे जो कोई कार्य कर जाता है तो वह अजूबा को कहलाता है और वह दुनिया में इकलौता हो जाता है। दिल्ली के एक नौजवान ने कुछ ऐसा ही किया है। वो इस दुनिया के पहले मॉडिफाइड बॉडी बिल्डर है। उनके शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस वजह से टैटू ना बने हो। न जाने कितने सालों से टैटू बनवाना और दर्जनों सर्जरी के बाद मॉडिफाइड बॉडी बिल्डर बनने के बाद दुनिया से उसे टैटूग्राफर करण से के नाम से जाना जाता है। टैटूग्राफर करण के शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर टैटू ना बने हो। शरीर की स्किन के अलावा उनके आँखों में भी टैटू है। टैटू के टशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कान को भी मॉडिफाइड कराया है। उन्होंने अपने सारे दांत हटाकर मेटल के दांत लगवाया है। उन्होंने अपनी जीभ की सर्जरी भी कराई थी। इससे ऐसा लगता है कि मानो ये किसी इंसान की नहीं बल्कि सांप की जीभ है। टैटूग्राफर करण ने सबसे पहला टैटू 16 साल की उम्र में बनवाया था। इसके बाद से उन्होंने टैटू आर्टिस्ट का काम शुरू किया और सबसे पहला टैटू खुद की शरीर पर बनवाया। यह सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। करण ने बीते कई सालों में अपने शरीर पर टैटू बनवाया। इसके साथ साथ वह बॉडी बिल्डिंग भी है। बॉडी बिल्डिंग करना और टैटू बनवाना दोनों बहुत मुश्किल है क्योंकि टैटू बनवाने वक्त शरीर के काफ़ी ज़्यादा खून निकलना होता है और उन्हें आराम करना पड़ता है। वहीं बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्हें शरीर से जुड़े मेहनत की ज़रूरत होती है। शायद इसी लिए ये दोनों शौक एक साथ पूरे करना किसी असंभव काम को संभव करने जैसा है। करण ने बताया कि कई बार टैटू बनवाने वक्त वह बेहोशी की हालत में चले गए थे। बॉडी बिल्डिंग और अपने शरीर को टैटू के आकार का बनाने के लिए दर्जनों बार सर्जरी भी करवाई और कई सर्जरी में जान जाने की भी खतरा था। करण का कहना यह है कि कई बार उनकी हालत ऐसी हो गई थी इसकी जान की भी चली जाती, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर परेशानी को पास किया। करण भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने आँखों के अंदर टैटू बनवाया है। यह एक तरह की सर्जरी है जिसको करने के लिए करण न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइनर ने उनकी आँखों में टैटू बनवाया था।